अभी हम लोग है हावड़ा ब्रिज के ऊपर और हम लोग जाने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से हम लोग विक्टोरिया जाने के लिए बस पकड़ेंगे, तो कौन से वाले बस जाते मुझे नहीं पता, किसी से पूछ के ही जाएंगे। हम दोनों जा रहे हैं, मैं और बनी ब्रो, जो कि कैमरा के सामने नहीं आना चाहता क्योंकि उसका शक्ल खराब है। हम लोग फुटपाथ से जा रहे हैं और इस साइड से बस जा रहे हैं। मैं हावड़ा ब्रिज के थोड़े इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन कोलकाता। इस ब्रिज को बनाया तो अंग्रेजों ने था, लेकिन अभी इस ब्रिज में राज तो हम इंडिया वाले ही करते हैं। हावड़ा ब्रिज हुगली रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इस ब्रिज को बनने में 6 साल लग गया था। दिस बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन बिगन इन 1936 एंड फिनिश्ड इन 1942 एंड देन 1943 में इस ब्रिज को पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया था। देखिए नीचे एक मार्केट है, मुझे मार्केट का नाम नहीं पता, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों का अगर नाम पता है तो मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। हम लोग अभी तक नीचे ही नहीं जा पाए, हावड़ा ब्रिज ही काफी बड़ा है। किसी से पूछेंगे कि विक्टोरिया जाने के बस कहाँ से मिलता है, किससे पूछे। कितने क्यूट क्यूट पपीज है इधर। अरे की रास्ता, एक्चुअली हम लोग गलत रास्ते में आ गए। हम लोगों को अभी बर्मा रोड में जाना है, वहाँ से विक्टोरिया तक जाने का बस मिलेगा। 46 हो गया लेकिन अभी तक हम लोगों को बस ही नहीं मिले विक्टोरिया तक जाने का। मिलेगा भी नहीं, हम लोग गलत रास्ते में आ चुके हैं। अभी हम लोगों को ऊपर जाना है और विक्टोरिया 5 बजे तक बंद हो जाता है, उससे पहले हम लोगों को पहुंचना है। अभी हम लोग वापस हावड़ा ब्रिज में आ पहुंचते हैं लेकिन विक्टोरिया जाने का बस नहीं मिल रहा। इधर ही 4 बज जाएगा फिर हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे और इसका तो इच्छा ही नहीं है। बहुत घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को बस मिल गया और बस काफी खाली है। इट्स 4 PM और अभी तक हम लोग धर्मतला में हाँ पहुंचे, तो विक्टोरिया 5 बजे तक बंद हो जाता है। पता नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं। पहले हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग अलीपुर जू में जाएंगे, फिर लेट हो गया तो फिर इधर जा रहे हैं। जैम बहुत ज्यादा है इधर। हम लोग बस से उतर चुके हैं और विक्टोरिया जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं विक्टोरिया कहाँ है, किसी से पूछ के जाएंगे। एक्चुअली मुझे कोलकाता के किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं, किसी भी जगह के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इच्छा है कि इस विंटर में हम लोग कोलकाता के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस कवर करेंगे। देखिए यहाँ सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जबकि मुझे फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। इस साइड में भी एक ग्राउंड है। टाइम हुआ है 4:18 PM और अभी तक हम लोग विक्टोरिया में नहीं पहुंचे और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा। यहाँ एक KTM है। कोलकाता में बहुत अमीर लोग रहते हैं, पता है। अभी अभी KTM अर्सी देखा और इधर एक ड्यूक खड़ा हुआ है। हम लोग बहुत लेट कर दिए लेकिन हम लोग पहुंच जाएंगे। इनो देखिए वहाँ झोपड़ी में है विक्टोरिया। भीड़ आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा है। मैं आप लोगों को टिकट का लाइन दिखाती हूँ। आया ये मेरे वजह से, अगर मैं नहीं रहता तो। अरे इसके वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए, पता है। हम लोग सुबह को निकलने वाले थे, फिर वो 1 बजे को आया। लाइन बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, पता नहीं हम लोग अंदर घुस पाएंगे या नहीं। लाइन में आप लोगों को दिखाती हूँ।
इतनी लंबी है, यहाँ से लाइन शुरू होती है और ये जाके यहाँ पे खत्म होती है। घोड़ा टिकट काउंटर और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। अभी विंटर के टाइम है तो बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं सोच रही थी म्यूजियम 5 बजे को बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ के पता चली ट्यूसडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM एंड सैटरडे संडे को 10 AM to 8 PM ओपन रहता है। बट ये चीज याद रखिएगा, मंडे एंड नेशनल हॉलीडेज पे म्यूजियम क्लोज रहता है। टिकट प्राइस है 30 रुपीज पर हेड। गेट से अंदर आने के बाद यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है। पता है बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए थे, उन लोगों के पास अच्छे अच्छे कैमरा गोप्रो थे और मेरे पास बस छोटा सा एक एंड्रॉइड था। और शाम हो चुका है, अभी गैलरी बंद हो जाएगा तो हम लोग जल्दी जाएंगे। इसके चक्कर में आप लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे। इस तरफ से एंट्री गेट है, यहाँ पर चेक इन होती है। बैग वगैरह जो भी आप लेके जाएंगे यहाँ पर चेक इन होगी। मेरे पास सेल्फी स्टिक था तो उन लोगों ने बोले कि बैग के अंदर रख दो, अंदर तुम सेल्फी स्टिक यूज नहीं कर सकती। फिर मैं अंदर जाके देखी कि कई सारे लोग सेल्फी स्टिक यूज कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बाय द वे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं गूगल से कलेक्ट किया। मैं ना हिस्ट्री में बहुत खराब थी, 10th के बाद तो मैं कभी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। व्हाटएवर, बी सीरियस ओके। अब मैं आप लोगों को कलकत्ता के ये 100 साल पुराने मॉन्यूमेंट के बारे में बताती हूँ। अब इतने भी सीरियस नहीं होना। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस है, जो कि कोलकाता के मैदान में सिचुएटेड है। इस मॉन्यूमेंट को क्वीन विक्टोरिया के याद में बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के फाउंडेशन प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में रखा था। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में व्हाइट मकराना मार्बल का यूज किया गया। यही सेम मार्बल को आगरा के ताजमहल बनाने में भी यूज किया गया है। इसका डोम और बाकी सारे स्ट्रक्चर भी ताजमहल के जैसे ही डिजाइन किया गया है। यहाँ टोटल 25 गैलरीज है। दिस इंक्लूड्स द रॉयल गैलरी, द नेशनल लीडर्स गैलरी, द पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, द स्कल्पचर गैलरी, द आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी एंड द न्यू वर्ल्ड कलकत्ता गैलरी। इन गैलरियों में आप लोगों को कई सारे हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेंगे एंड बंगाल के हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। क्या आपको पता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनने से पहले यहाँ प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था, जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी उस जेल के कैदी रह चुके हैं। बाद में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाने के लिए प्रेसिडेंसी जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल बनाने के लिए ऑल ओवर इंडिया एंड ऑब्वियसली ऑल ओवर बंगाल से फंड लिया गया, मतलब हम इंडियंस लोगों ने ही इसको फंड किए। ये मेमोरियल 2 फ्लोर में डिवाइडेड है, हम लोग ग्लाइड करके गए थे तो ऊपर नहीं जा पाए। सच बताओ तो पूरी कवर नहीं हुई अच्छे से, कोई भी चीज अच्छे से देख नहीं पाए। हम लोग बहुत लेट करके आए थे तो मैं बोलता हूँ लेट नहीं करने के लिए, हमें तो टाइम पे आने के लिए, लेकिन ये मानती ही नहीं। एक थप्पड़ मारूंगी, इसके वजह से ही लेट हुआ। तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई कि अगर किसी जगह पे जाके ब्लॉग बनाना है तो हम लोगों को सुबह को निकलनी पड़ेगी। ये देखिए रात का नजारा। यहाँ एक अंकल बड़े बड़े बबल्स बना रहे हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। रात का नजरिया तो कुछ अलग ही है, बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत प्यारा। मैं बहुत प्यारा, मुझे पता है। विक्टोरिया के एकदम सामने ही ये भैया जेसस क्राइस्ट एंड शिव जी के ड्राइंग करके पैसे मांग रहे थे। अब उनका भी घर जाने का टाइम हो गया, तो जिससे कि इसमें किसी का पैर ना लग जाए इसलिए वो इसे साफ करके घर जा रहे। सच बताऊं तो आर्टिस्ट लोगों के लिए ना मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सब लोग आर्ट की कदर नहीं करते, ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। सबके घर जाने का टाइम हो गया तो हम भी घर चले जाते हैं। बाय बाय विक्टोरिया। देखिए वो रहा PGSSKM हॉस्पिटल। ये कोलकाता का एक बहुत ही फेमस पब्लिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जो कि विक्टोरिया के एकदम नजदीक में ही सिचुएटेड है। एंड दिस हॉस्पिटल इज द ओल्डेस्ट जनरल हॉस्पिटल इन इंडिया। ये रहा रविंद्र सदन। रविंद्र सदन के बारे में मैं सुनी हूँ, लेकिन किस लिए फेमस है वो मुझे नहीं पता। घर आके गूगल में सर्च करके मुझे पता चली रविंद्र सदन कलकत्ता के एक कल्चरल सेंटर एंड थिएटर कम्प्लेक्स है। हम लोग रविंद्र सदन के सामने से जा रहे थे, भीड़ देख के हम लोग भी अंदर घुस गए। कुछ प्रोग्राम हो रहा था शायद, हम लोगों को नहीं पता क्या हो रहा था, लेकिन कंटेंट मिल गई। आई थिंक यहाँ बंगाली फिल्म का फेस्टिवल हो रहा था, आई एम नॉट श्योर। हम लोग फिर बाहर आ गए क्योंकि हम लोगों को घर वापस भी तो जाना है। यहाँ ना रस्ते में एक भैया गाना गा रहे थे, गिटार में बहुत अच्छे गा रहे थे। ऐसे रस्ते में गाने से ना कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाते हैं। फिर हम दोनों इस विंटर में ठंडे ठंडे लस्सी पिए और समोसे जलेबी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर दिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।